चलिए भाई, हम लोग आज शुरू करेंगे स्पेशल पर्पज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसके पहले लोग पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डायोड, जिसमें हमारा क्या है डायोड एज ए रेक्टिफायर, और उस रेक्टिफायर में क्या है टू टाइप्स होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। और व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट एसी करंट और वोल्टेज इनटू क्या होता है इनटू डीसी, ठीक है ना। तो डायोड का अब हमारा क्या है एप्लीकेशन से हम डायोड को और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, जिसमें कुछ डायोड स्पेशल केस बनाए गए हैं, या उसमें कुछ चीज स्पेशल माने जो हमारे नॉर्मल डायोड के कंपेयर में उसकी प्रॉपर्टी या उसका मैन्युफैक्चरर क्या है थोड़ा डिफरेंट है, तो ऐसे डायोड को उसको यूज किया जाता है एट ए स्पेशल कंडीशन या फॉर ए स्पेशल पर्पज और एट ए स्पेशल प्लेस, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज स्पेशल टाइप ऑफ डायोड आर कैन से स्पेशल पर्पज डायोड। देखो ये डायोड कितने टाइप्स होते हैं, ये चार टाइप होते हैं। पहला क्या है जीना डायोड है, सेकंड क्या हमारा है फोटो डायोड है, थर्ड वन क्या है एलईडी जिसे बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, और फोर्थ वन है सोलर सेल। तो चार टाइप डायोड हो गए इस प्रकार से। पहला हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट डिस्कस करेंगे जीनर डायोड, ठीक है। पहला क्या होता है और फर्स्ट डायोड इज इसे बोलते हैं जीनर डायोड। व्हाट इज जीनर डायोड? देखो जीनर एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्पेशल पर्पज डायोड बनाया। क्या बनाया इसमें, क्या किया स्पेशल, इन्होंने ये किया कि उसमें जो है डायोड में डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ही इंक्रीज कर दिया, इसे बोलते हैं हैवीली डोप डायोड। इससे फायदा क्या हुआ, नुकसान किया? नुकसान में फायदा ज्यादा हुआ। फायदा क्या हुआ, देखिए जो नॉर्मल डायोड होता है, क्या होता है नॉर्मल डायोड ड्यूरिंग ब्रेक डाउन, जब उसमें क्या होता है लगाते रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में ड्यूरिंग ब्रेक डाउन नॉर्मल डायोड में भी ब्रोकन या डैमेज हो जाता है, ठीक। क्यों डैमेज होता है? ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट जनरेट एट द डायोड एट द डिप्लीशन लेयर इन द डायोड ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेमीकंडक्टर एटम, ठीक है। तो आप देखते हैं इसमें क्या है, उसमें रिवर्स बायस में जो नॉर्मल डायोड होता है तो उसमें जो हमारी डिप्लीशन लेयर होती है वो काफी लार्ज हो जाती है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन या होल टक्कर मारते मारते आगे बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है जिससे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, जैसे भाई ये डायोड डैमेज हो जाता है, ठीक। इन्होंने क्या सोचा, अगर हम क्या करें, अगर किसी विधि से क्या किया जाए, हम उस डिप्लीशन लेयर को कम कर दिया जाए रिवर्स बायस में। अब कम कैसे कर सकते हैं भाई, क्योंकि जब रिवर्स बायस लगाया जाएगा तो हमेशा क्या होती है डिप्लीशन लेयर बढ़ती है, तो कम करने क्या किया इन्होंने, वहां पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इसे बोलते हैं हैवीली डोप कर दिया। इससे क्या फायदा, सिंपल देखिए, कहीं जगह अगर आदमी 10 जगह रहने की जगह है उसी में अचानक 20 कर दोगे तो क्या भीड़ बढ़ जाएगी ना, जगह क्या कम हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, यही किया उन्होंने, इन्होंने डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तब क्या हो गया बहुत ज्यादा होल हो गए पी में, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए क्या है एन में। अब क्या हो गया देखिए सिंपल, जैसे मान लो क्या है पहले क्या था, पहले मान लो इस प्रकार देखिए पहले क्या था, यहाँ पे मान लो इधर क्या हो गया पी हो गया, इधर हो गया पी, इधर हो गया एन, कहाँ जोड़ा गया इसको रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस क्या जब पी जोड़ते हैं एन से, एन जोड़ते हैं पी से, यहाँ पहले क्या था नाम जब यहाँ लगा दिया, पहले क्या था तुम्हारा डिप्लीशन लेयर कितना था, इतनी डिप्लीशन लेयर थी नॉर्मल डायोड में, लगा दिया रिवर्स बायस, अब डिप्लीशन लेयर क्या हो गई इतनी बढ़ गई भाई, बड़े कहाँ पहुंच गई लेयर हमारी इतनी बढ़ गई, ठीक है। इससे क्या हो गया, अब इससे इसीलिए नॉर्मल डायोड में जब यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है इलेक्ट्रॉन को मालिक क्या है चल के इधर पहुंचना है, बोलते यहाँ पहुंचना है, इसमें ड्यू टू कोलिजन क्या होता है यहाँ बहुत सी एनर्जी लॉस होती है और एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, ड्यू टू दिस हीट ये हमारा डायोड बर्न हो जाता है या डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जब कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, उससे क्या हो गया कंसंट्रेशन बढ़ाने से ऑटोमेटिक इतने ज्यादा होल हो गए कि होल कहाँ तक, यहाँ तक पूरा भर गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक पूरा भर गए पूरा, इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया। इससे क्या वो सीधी बात है तो क्लियर हो गया ना, अब क्या भाई अब हमारा तो छोटा रीजन बचा, केवल इतने छोटा रीजन बचा जो जिसमें डिप्लीशन लेयर है, बाकी इतनी ज्यादा भीड़ हो गई एकदम पूरा है डिप्लीशन लेयर ही कम हो जाएगी। अब क्या होगा जब ब्रेकडाउन होगा तो, क्योंकि जीनर डायोड भी हमेशा वर्क करता है रिवर्स बायस में ही वर्क करेगा, अगर रिवर्स बायस में कर रहा है तो उस कंडीशन पर यहाँ जो बनेगा जंक्शन क्या होता भाई, इस जंक्शन पर
क्या हो गया, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बन रही है और डिप्लीशन लेयर में कोई ना तो फ्री होल होगा ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो सेमी कंडक्टर एटम ब्रोकन होंगे, तो उस समय इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए क्या दूरी कम चाहिए, यहाँ और दूरी कम चाहिए, कोलिजन अब भी होगा, हीट अब भी जनरेट होगी, लेकिन वो हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि हमारे इस डायोड को या इस जंक्शन को डैमेज कर दे। इसलिए क्या होता है, तो जब यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तो जैसे यहाँ को इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो नया इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा या होल पहुंचेगा तो नया इलेक्ट्रॉन नया होल उसको रिसीव कर लेगा। तो इन दिस वे क्या हो गया, इसकी वर्किंग जो है बहुत फास्ट होती है। क्लियर हुआ, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पर जॉइंट होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, होल कहाँ इधर जाएगा, क्यों, यहाँ निगेटिव है यहाँ क्या पॉजिटिव है। तो सोचिए इसको कैसे वर्क कर रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, तो मेन खास बात क्या हमारी है, जो खास बात यहाँ पे ये है कि ड्यूरिंग ब्रेकडाउन वोल्टेज एंड इन रिवर्स कंडीशन जिनर डायोड इज नॉट डैमेज, वाई ड्यू टू हैवली डोप्ड, यही इसमें क्या स्पेशल बात हो गई। अगर स्पेशल बात होगी इसका क्या क्या इसका स्पेशल यूज भी है, क्या यूज होता है, जब भाई देखो जिनर डायोड जब यहाँ ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया, देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर क्या होता है ग्राफ में, उसके आगे वोल्टेज नहीं बढ़ता, फिर करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अर्थात इसके हेल्प क्या करते हैं हम कांस्टेंट वोल्टेज वी कैन जनरेट, इसलिए क्या आता है इसके हेल्प से कांस्टेंट वोल्टेज डेवलप जाता है, जिससे क्या है जिससे इसका ये होता है ये वोल्टेज रेगुलेटर और कांस्टेंट पावर सप्लाई के लिए इसका जो होता है। अगर मान लीजिए कहीं पर फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, इसको यूज कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको कांस्टेंट वोल्टेज मिलता रहेगा, जिससे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो आसानी से वर्क करेंगे, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो ई मीन इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन देखते हैं भाई अब, ओके ना। तो डिवाइस क्या हो जाएगा, जनरेटर डायोड, इट इज स्पेशल पर्पज डायोड व्हिच इज हैवीली डोप्ड डायोड, व्हिच इज हैवीली डोप्ड डायोड एंड वर्किंग इन रिवर्स बायस विद इन ब्रेकडाउन वोल्टेज विदाउट डैमेज, ठीक है ना, विदाउट डैमेज की वर्क करेगा। एंड सिंबल क्या इसका हो जाएगा, यहाँ पी हो गया, यहाँ देखो एन क्या करते हैं बढ़ा देंगे जेड, जैसे क्लियर है सिंपल डायोड में इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे क्या होते हैं जैसे सिंबल आप क्या सिंबल ऑफ जीनर डायोड का सिंबल हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं इसकी वर्किंग, वर्किंग क्या देखिए, अगर ये वर्क करेगा जिसमें ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में इसकी वर्किंग जस्ट रहेगी नॉर्मल डायोड का, थोड़ा अंतर होता है कि हैवीली डोप्ड होने की वजह से इसमें नी वोल्टेज आता है, ठीक है, नी वोल्टेज में पहले करंट लगभग क्या जीरो, तो अचानक करंट बढ़ती है, ऐसा नहीं कि नी वोल्ट क्या जीरो माइनॉरिटी के लिए करंट बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पतला क्या हो गया जंक्शन डायोड होगा ना, बहुत पतली डिप्लीशन लेयर होती है, जिससे क्या होता है जिससे माइनॉरिटी कैरियर लगभग नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए क्या होती है यहाँ पे फॉरवर्ड करंट अचानक क्या है तुरंत बढ़ जाती है नी वोल्टेज पर, ठीक है, तो यही अंदर ग्राफ नियंत्रण होता है फॉरवर्ड बायस का। बाकी रिवर्स बायस में सेम ग्राफ बनेगा, तो क्या है यहाँ भी मिलता है ब्रेकडाउन, उसके बाद ब्रेकडाउन में हमेशा वर्क करता रहेगा, डैमेज नहीं होगा। देखो वर्किंग देखते हैं भाई इसका, फिर है क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया सर्किट डायग्राम एंड वर्किंग, जैसे कि मिलता है तो क्या है फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस क्या है जीरो डायोड हो गया, सर्किट ध्यान दीजिए सर्किट में गलती नहीं होनी चाहिए, सर्किट में क्या किया है लगा इसको जीरो डायोड के पैरेलल लगाए, पैरेलल लगाएंगे वोल्टमीटर, यहाँ देखो प्लस फिर जुड़ेगा प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ लगा दिया एमीटर लगा देंगे सर, क्या हो गया सीरीज, तो माइनस जुड़ गया माइनस से, प्लस जुड़ गया प्लस से सर्किट में, ठीक है, यहाँ लगा दिया रेस्टोर जो क्या हो गया जो करंट को कम ज्यादा कर सकता है इससे, ठीक है, जैसे वोल्टेज घटे बढ़ेगा या वैसे क्या करंट हमारी घटे बढ़े चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, अब यहाँ देखना है इसका सर्किट डायग्राम, मतलब इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ में क्या खास बात है समझो पहले, यहाँ क्या होगा जीनर डायोड रिगार्डिंग फॉरवर्ड बायस, नंबर वन दो ग्राफ बनेंगे फॉरवर्ड बायस इसका क्या रिवर्स बायस, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस इसका बिहेवियर जस्ट लाइक होता है नॉर्मल डायोड, थोड़ा सा चेंज है, देखिए क्या चेंज है, ड्यूरिंग क्या नंबर हो गया सर, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस क्या हो गया जीनर डायोड वुड नॉर्मली ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस कंडीशन बट ड्यू टू हैवीली डोप्ड व्हेन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लेस देन नी वोल्टेज, जब तक नी वोल्टेज से कम है, तो चूंकि यहाँ पे क्या है यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बहुत पतली है तो बहुत ही थिन है, तो इसमें माइनॉरिटी कैरियर बहुत भी कम रहेंगे, इसलिए कहा जा रहा है लेस देन क्या हो गया नी वोल्टेज आर पोटेंशियल बैरियर, क्या कहते हैं देन द करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर इज अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल, और क्या हो गया जीरो कह सकते हैं, ठीक है।
क्या करेंगे, प्रथम बिट क्या हो गया जीरो, और क्या हो गया और नेगलिजिबल, देयरफॉर व्हेन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इंक्रीजेज देन क्या हो गया एट नी वोल्टेज करंट सडनली इंक्रीज एज सून आई वी कर्व। देखिए आप यहाँ पर करंट क्या है, ड्यूटी मैग्नेट के बहुत ही कम करंट है, अचानक क्या इसलिए जैसे ही नी वोल्टेज क्रॉस पर पहुंचा करंट हमारी अचानक बढ़ गई, जबकि उसमें क्या था नॉर्मल डायोड क्या होता था ध्यान दीजिए, यहाँ कर कैसे क्या था यहाँ पर यहाँ करंट पहले से कुछ थी इस टाइप से करंट यहाँ थी तब जाकर बढ़ रही ना, कि करंट क्या है इस ग्राफ थोड़ा ऊपर थी अर्थात करंट थी क्योंकि यहाँ आई है ना, यहाँ करंट क्या है अप्रोक्सीमेट जीरो है ना, सीधे अचानक बढ़ जा रही है। तो नॉर्मल डायोड में और जीरो डायोड के फॉरवर्ड बायस ग्राफ में ये डिफरेंस है, ध्यान रखिए इसको, कभी कभी दे दिया था चार ऑप्शन में, अब पूछता है जीरो डायोड का ग्राफ कौन सा है, ठीक है हमें सिंपल याद है फॉरवर्ड बायस लगा देते हैं, लेकिन ये देखो अंतर उसमें ठीक है। अब देखते आते हैं रिवर्स बायस पहुंचिए, हाँ भाई तो हमारा किस क्या हो गया ड्यूरिंग रिवर्स बायस क्या होगा, पहले देखिए सर्किट डायग्राम देखिए, जीरो डायोड हो गया इसे जोड़ दिया रिवर्स बायस में, पी जुड़ गया नेगेटिव से एन जुड़ गया पॉजिटिव से, ठीक है यहाँ लगा दिया रेजिस्टर जिससे क्या हम करंट को घटा बना सकें या वोल्टेज ठीक है इस पर चेंज कर सकें, यहाँ देखो इस चीज का मतलब इससे क्या करंट घटे पड़ेगी इससे वोल्ट हैं चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए ई जो है माइनस से यहाँ वोल्टेज जोड़ेंगे वोल्टमीटर माइनस से ये प्लस हो गया, या क्या जोड़ेंगे इसे जोड़ेंगे इसे जोड़ेंगे प्लस से, ठीक है अब यहाँ देखिए इसे क्या यहाँ प्लस मैक्रोन पे जुड़ेंगे प्लस से इसे जुड़ेंगे नेगेटिव से, क्योंकि इसमें करंट बहुत ही कम फ्लो होती है ड्यूरिंग रिवर्स बायस, दैट्स व्हाई हियर वी यूज माइक्रो एम्पियर, ध्यान रखिए ये मैं कौन सी डिवाइस है कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाना है, तो यहाँ क्या लगा रहा है माइक्रो एम्पियर, वोल्ट में लगाना कोई दिक्कत नहीं है, पोलरिटी आपकी रिवर्स हो गई, इसलिए ग्राफ में क्या है ग्राफ का बनता है नेगेटिव पर या नेगेटिव करंट पे, ठीक है। अब क्या होगा देखिए ये तो हमारा सर्किट डायग्राम हो गया, ग्राफ देखिए इसमें क्या है यहाँ करंट हो गया वोल्टेज हो गया, यहाँ चूंकि वोल्टेज लगा रखा रिवर्स बायस में इसलिए क्या हो गया जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे यहाँ ड्यूटी माइनॉरिटी कैरियर बहुत ही स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो होगी, और जैसे बैकग्राउंड पहुंचेगा करंट का सडनली इंक्रीज होगी, ऐसा नहीं चलते थे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं चलते क्या इंक्रीज हो ऐसा नहीं, वो सीधे अचानक क्या हो गया, और क्योंकि हैवी डिफरेंट वजह से क्या होता है करंट क्या अचानक इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर आप हो गया फर्दर रिवर्स बायस सेम इसे कर देना है रिवर्स बायस क्या हो जाएगा रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीजेज देन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, ठीक है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो बट व्हेन अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज रीच्ड एट जीनर बैक डाउन वोल्टेज देन सेमी कंडक्टर एटम देन द सेमी कंडक्टर एटम एट डिप्लीशन रीजन स्टार्ट ब्रोकन हेंस मेजॉरिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड देयरफॉर करंट सडनली इंक्रीजेज बट करंट सडनली इंक्रीज बट ड्यू टू हैवली डोप इट वर्क प्रॉपरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन माने डैमेज नहीं हुआ, क्लियर हुआ। अगर आपको ये दिखाना है एक साथ दिखाना है दोनों का जिस क्लियर पर है उसे मिटा रहे भाई, अगर ग्राफ दिखाना है दोनों एक साथ तक दिखा पाएंगे देखिए मतलब दोनों ग्राफ एक साथ दिखा रहे हैं तब क्या हो जाएगा भाई, देखिए ग्राफ क्या हो जाएगा इधर दिखा दिया वोल्टेज इधर दिखा दिया करंट यहाँ हो गया निगेटिव वोल्टेज यहाँ निगेटिव करंट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ चलेगा यहाँ से ग्राफ फिर क्या अचानक क्या पड़ जाएगा ये, ठीक है हमारा हो गया ए ग्राफ हो जाएगा सीधे इसके लिए हो गया फॉरवर्ड बायस और यहाँ हो गया रिवर्स बायस का, इसका क्या हो जाएगा ये चलेगा इसके पैरेलल में फिर क्या हो गया ये हो गया रिवर्स बायस ये हो गया जनरेटर ब्रेकडाउन हो गया ये करंट हो गया, ठीक है इधर वोल्टेज बढ़ रहा है करंट बढ़ रही है यहाँ क्या हो गया इसे बोलेंगे रिवर्स करंट हो गई, ये क्या हो गया रिवर्स वोल्टेज हो गया रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया गया है ना, ये क्या हो गया फॉरवर्ड बायस करंट हो गई, ठीक है ना करंट हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया नी वोल्टेज हो जाएगा क्या हो गया नी वोल्टेज हो गया, इसका दिखा सकते हैं बीजेड क्या हो जाएगा बीजेड ये हो गया जीनर बैकग्राउंड वोल्टेज, तो हमारा ग्राफ क्या कंबाइंड ग्राफ हो गया
फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या देखते हैं इसके बाद, अब देखते हैं इसका यूज क्या है। क्या कहते हैं इसका, व्हाट इज द यूज ऑफ जीनर डायोड। ओके चलिए भाई, कि भाई क्या हो जाएगा यूज ऑफ जीनर डायोड, जिसमें होगा जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, इसमें विद द हेल्प ऑफ जीनर डायोड द कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई ऑब्टेंड फॉर एनी सर्किट। फॉर क्या हो गया, फॉर स्मूथ वर्क। ठीक है, स्मूथ वर्क करने के लिए किसी सर्किट को हमें क्या चाहिए, एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, अगर वो डीसी काम कर रही तो। ठीक है, अब देखिए इसका जो सर्किट डायग्राम हो गया, इसमें क्या जीनर डायोड लगा दिया, यहाँ भाई प्लस या माइनस होता है ना, अगर यहाँ प्लस माइनस देखे क्या अप्लाई करते हैं, प्लस यहाँ क्या हो गया माइनस, इससे क्या होगा, जिससे यहाँ पर यह निगेटिव हो गया प्लस, अर्थात क्या है लग गया कैसा रिवर्स का, इसमें यहाँ लगता है सीरीज रेजिस्टेंस, यहाँ जीनर डायोड, फिर इसी पैरेलल लगा दिया लोड रेजिस्टेंस, लोड के कारण क्या हो गया हमको कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ये ध्यान रहे आपको, यहाँ जो वोल्टेज रहता है जीनर डायोड पे दोनों पैरेलल में है, वोल्टेज हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैसे रहता समझना है, पहला देखिए वर्किंग यहाँ क्या है, यहाँ देखिए वोल्टेज जैसे इनपुट बढ़ाते हैं, इनपुट बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा फिर कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, वोल्टेज जैसे इनपुट बढ़ा रहे हैं ठीक बढ़ेगा, फिर क्या हो गया, फिर कांस्टेंट हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ लगा दिया फ्लक्चुएटिंग डीसी इनपुट वोल्टेज, वहां लेगा कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। अगर फ्लक्चुएट कर रहा है वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर भी यहाँ कांस्टेंट ही मिलेगा। फिर से समझिए इसको, यहाँ क्या हो गया, व्हेन द डीसी व्हेन द इनपुट डीसी वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड इंक्रीजेज बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, अगर मैं लिमिट क्रॉस कर गया वोल्टेज बहुत बढ़ गया, तुरंत क्या हो गया द करंट थ्रू द सर्किट इज इंक्रीजेज ना, अगर मान लीजिए क्या हो गया जैसे ही करंट वोल्टेज वोल्टेज बढ़ेगा तुरंत क्या आएगा डाउन हो जाएगा, करंट अचानक बढ़ेगी, और जब करंट अचानक बढ़ी तो यहाँ भाई करंट आर एस से जा रही ना, करंट आर एस से भी अचानक बढ़ जाएगी, जब करंट यहाँ अचानक बढ़ी यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया ओवरऑल क्या हो गया वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कम हो जाएगा ना, फिर क्या है पहुंच जाएगा कहाँ पे, ये पहुंच जाएगा ब्रेकडाउन पे। ठीक है, क्योंकि इसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 50 वोल्ट का है, हमने लगा दिया 75 वोल्ट, जैसे 75 वोल्ट लगाओगे तो करंट क्या फट बढ़ेगी, बढ़ी यहाँ करंट बढ़ गया यहाँ बढ़ गई, जब करंट आर एस बढ़ जाएगी तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ के बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा जैसे तुरंत क्या है 25 पहुंच गया, फिर 70 या क्रॉस हो गया 50 या फिर कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये ध्यान दिया जाता है। तो ये कह रहा है सर्टेन लिमिट देन द करंट थ्रू द सर्किट इज इंक्रीजेड कॉजिंग एंड इंक्रीज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस आर एस विदाउट देयरफॉर क्या हो गया विदाउट एनी चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड। ठीक है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा लेकिन यहाँ वोल्टेज ड्रॉप चेंज नहीं होगा, रिजल्ट ऑफ इट द वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड रिमेंस कांस्टेंट इवन दो करंट थ्रू जीनर डायोड इज चेंज, जबकि यहाँ करंट चेंज हो रही है फिर भी क्या है, फिर भी यहाँ पर करंट के चेंज होने से यहाँ कांस्टेंट वोल्टेज को मिल रहा है। तो कब हो गया, ये तो हो गया जब वोल्टेज ज्यादा हो जा रहा है, अगर वोल्टेज घट गया तब क्या हो गया वोल्टेज डिक्रीज हो गया, तुरंत क्या हो गया करंट डिक्रीज हो गई, करंट डिक्रीज हो गई वोल्टेज ड्रॉप यहाँ कम हो जाएगा, क्यों यहाँ करंट ही कम हो गई वोल्टेज ड्रॉप कम है करंट और जाएगी, इससे क्या है फिर यहाँ कांस्टेंट वोल्टेज को फिर मिलेगा, चाहे वोल्टेज इससे घटे या बढ़े जब भी फ्लक्चुएट होगा इस बार से हमको यहाँ कांस्टेंट वोल्टेज मिलता रहेगा। सेकंड लिखते हैं घटने की जब क्या होता है इसको ना, ठीक है समझा दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा सेकंड नंबर टू लिखते हैं, क्या होगा इसमें नंबर टू में क्या हो जाएगा फिर अगेन सेकंड व्हेन द इनपुट एसी वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड इज डिक्रीज, पहले इंक्रीज कर रहे थे अब क्या डिक्रीज है, देन करंट थ्रू सर्किट इज आल्सो डिक्रीज, ठीक है आल्सो डिक्रीज कॉजिंग डिक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस क्या हो गया सीरीज रेजिस्टेंस आर एस विदाउट चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस जीनर डायोड, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, दस अ कांस्टेंट वोल्टेज ऑब्टेन अक्रॉस जीनर डायोड इवन दो करंट थ्रू जीनर डायोड चेंजेज, करंट चेंज हो रही है लेकिन यहाँ कोई वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, इन दिस वे एट आउटपुट कांस्टेंट वोल्टेज ऑब्टेन, इसलिए क्या होता है इस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं एट इज वोल्टेज रेगुलेटर, यानी क्या हो गया ये वोल्टेज को रेगुलेट करेगा कांस्टेंट वोल्टेज देगा तो फ्लक्चुएशन से हम बच सकते हैं, इससे हमारी डिवाइस क्या है प्रॉपरली वर्क करती है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ
जीना डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माल एग्जाम में आता है। क्या बनाएंगे, जीना डायोड क्या होता है, उसका सर्किट डायग्राम बना देंगे, ग्राफ बना देंगे, फिर इसका दिखा देंगे। अब एग्जाम लिखने के पूछा था कि हमको केवल जीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर ही बताना है, तो सिंपल सर्किट बना देना है, दोनों लिख देना है, ग्राफ बना दीजिए। अगर शॉर्ट नोट लिख दिए तो शॉर्ट नोट माने कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, दो मार्क्स का है। जीना डायोड क्या, सर्किट डायग्राम बना करके सीधे वोल्टेज रेगुलेटर क्या होकर दिखा दीजिए, ठीक। जैसे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर लिखना है। तो ए इसी पे एंड होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आएगा हमारा फोटो डायोड, ठीक, एलईडी आएगा, तो उसे पढ़िए। और एज आवर रिक्वायरमेंट है, ठीक है भाई, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ इसको आगे भी बच्चों को बढ़ाइए, जिससे क्या, जिससे फिजिक्स की तमाम चीज़ें क्या हैं एकदम प्रॉपरली समझ में आए आपको, ठीक है ना, और इस सबका इसका फायदा हो। ओके भाई, थैंक यू।